जो यहाँ बोलने की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अकल नहीं है, और उसकी वजह यह है कि मैं किसी ना किसी भाषण में ऐसी कोई गड़बड़ी कर देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाषण करने के फौरन बाद मुझे फिक्र रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फोन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। मुझे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम कश्मीर, जब बुलाया उन्होंने मुझे और कहा कि कल जाके उठ ले लो, कोई वजह थी जिस वजह से अगले ही दिन सुबह मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से, तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ बिहार में, आप मुझको क्यों भेज रहे हो? कहने तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने सिस्टम के आदमी को तो हुर्रियत बगावत कर देगी। तुम चरण सिंह जी के साथ रहे, तुम वीपी सिंह के साथ रहे, तुम अलीगढ़ से एमपी रहे हो, तो तुम्हारी स्वीकार्यता है। तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदावर जी भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंडेट क्या है, क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं करनी, दो काम करने हैं, एक तो ये करना है कि आउटरीच करना है, लोगों के बीच में जाना है, और डेवलपमेंट करना है। आउटरीच मैंने जिस हिसाब से किया, आज मैं सेफली कह सकता हूं कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? मैं कहा कि या तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, या तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं, लोग चढ़ जाएंगे राजभवन में और मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूं। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैंने 5 महीने यही किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको ये समझाने की कोशिश की है कि 250 लड़के लेके दुनिया की 2 नंबर की फौज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते हो, जो मिलना है, जो मिलना है वो बातचीत से मिलना है। लिहाजा इनमें एक सेंस ऑफ फटीग मैंने पैदा कर दी है कि लड़ना निरर्थक है, और मैं श्योर हूं एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, कोई उनके छुड़ाने के लिए नारा लगाने नहीं आया। फिर वो डरे हुए थे कि मुझे बोले कि आपकी सिक्योरिटी से कश्मीर पुलिस को हटा के सीआरपी बीएसएफ कर दें। मैंने कहा अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरी कोई कश्मीर पुलिस मत हटाओ, क्योंकि मैंने जाते ही उनकी शहादत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया था, उनका हार्डशिप अलाउंस बढ़ा दिया था।